हेलो एवरीवन, नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय श्री शक्ति। मैं हूँ डॉक्टर खुशी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा मंथली राशिफल में क्या चीजें होने वाली, कैसे रहेगी आपकी प्रिडिक्शन मेष से लेके मीन राशि तक। चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो रहेगा आपके लिए मकर राशि वाले। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है, ये मंथ में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। अपॉर्चुनिटी दिखाई देती रही, लव फीलिंग्स होगी, पर कहीं ना कहीं आप थोड़े लव फीलिंग्स को चीज़ों को लेकर समझते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। ऐसे होगा कि मेरी बात कोई नहीं सुनता, आप सभी की बातें, जैसे बोलते हैं कि सभी की बातें मैं ही सुनता हूँ, ये वाली चीज़ें आप में रहेगी। थोड़ा सा जो है आप अपने आप को जानने की कोशिश करोगे या फिर अपने आप को चीज़ों को लेकर समझना ही नहीं चाहते, ये वाली कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ओवरऑल स्ट्रेस ज़्यादा करके आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें होगी कि आपको बहुत सारी चीज़ें खुद होकर करनी पड़ सके, पर काम आते हुए दिखाई दे रहा है, काम आपके तरफ अच्छी तरीके से आते हुए दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे होकर अगर आप टीम वर्क करके भी काम करते या फिर कुछ वर्कर रख के भी काम करते तो चीज़ें ठीक होगी, नहीं तो ओवरलोड से चीज़ें आपकी खराब हो सकती है या फिर आपकी हेल्थ की वजह से कुछ इशू आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप काफी अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप में थोड़ी सी अनबन आपकी रहेगी, ज्यादा नहीं पर थोड़ी सी अनबन आपकी दिखाई दे रही है, तो इस अनबन को अगर आप टालते हैं तो आपकी चीजें ठीक रहेगी। ऐसी भी चीजें हो सकती है कि आपकी तरफ फाइनेंशियल आए और आपका ध्यान भी ना रहे, कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही पर शायद आपका उस काम के लिए काम करने का मन भी ना हो, ये वाली चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहता है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है ये मंथ में। तो एंजल्स गाइडेंस आपके लिए, अभी जो भी चीज़ें हो रही है अभी ठीक टाइम नहीं है, आप आगे बढ़िए और थोड़ा सा रुक के काम कीजिए तो थोड़ी चीज़ें ठीक रहेगी। और आप अपने आप को सबसे पहले कि अपने आप को जानने की कोशिश करें, सेल्फ लव की ज़रूरत है, वो चीज़ें अगर आप करते तो चीज़ें आपकी ठीक रहेगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को जैसे कि जो शेयर करना ना भूले। शायद ये चीज़ें थोड़ी सोच रही हूँ कि मतलब अगर मैं थोड़ा सा जो है आपको एक फ्लायर सेंड करूँगी, फ्लायर सेंड करने के बाद ही जो है मेरे एक कुछ डिसीजन होंगे कि मैं शाम के टाइम पे थोड़ा सा 1 आवर के लिए जो है लाइव सेक्शन लूँ, जिनके लिए आप अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप मुझसे लाइव टैरो रीडिंग सीख टैरो रीडिंग के बारे में जान सकते हैं। टैरो रीडिंग के लिए आप जैसे कि आपकी कुछ भी आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी जो भी प्रिडिक्शन करनी है, आप 1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्री लाइव सेक्शन रहेगा 1 आवर का, तो 6 से 7 बजे का टाइमिंग शायद हो सकता है, जो भी टाइमिंग रहेगा 6 से 7 या 7 से 8, वो टाइमिंग आपको जो है शेयर किया जाएगा पोस्ट के माध्यम से, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड जैसे कि यूट्यूब चैनल पर आपको ये सारे पोस्ट जो है मिल जाएंगी। कुछ नई नई जानकारी आती रहती है, प्लीज़ पोस्ट की तरफ ध्यान दें, अनदेखा ना करें, रील्स की तरफ ध्यान दें, तो कुछ कुछ नई नई चीज़ें जो है मैं लेके आती रहूँगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मैं ऐसे ही न्यू वीडियोज़ के साथ, न्यू टिप्स के साथ, कुछ कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।